टुडे इज मंडे, वो आएगा, जरूर आएगा। और ईशान हमारे डॉक्टर को देखा। हेलो मिसेस लोगो। हेलो, हम तुम्हारा ही वेट करता था, कम इन। थैंक यू। मैं आज दोपहर की बस से जा रहा हूँ। आज नाइट को ही पहुंच जाएगा ना? जी। कम कम। ये शॉल है, हमारा मारिया शॉल बहुत पसंद करता है। वो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिज़ाइन का वो शॉल ओढ़ता था और हर वक्त हमको बोलता था कि मम्मा हमारे वास्ते एक शॉल बनाओ। आफ्टर 5 इयर्स हमने ये शॉल उसके वास्ते बनाया। बहुत खुश हो जाएगा। तुम अपना आप से देखना और हमको आकर बताना कि वो शॉल उसको सूट हुआ है या नहीं। वो हमारा डॉट कितना अच्छा लगता है, हमको बताना। उसको बोलना ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। वो स्टिचेस अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोला ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कह दूंगा, अब मैं चलूं। ओ, कुछ कुछ पिएगा नहीं? नहीं मिसेस लोगो, वापस आकर पीऊंगा। ओके, इस पर एड्रेस है। गॉड ब्लेस, आई विल वेट फॉर यू। टेक केयर मैम। ये लो, सुनिए भाई साहब। कहिए बाबूजी। यहाँ से किशनगंज कितनी दूर है? किशनगंज जाएंगे आप, एक काम करिए, आपको आगे तांगा मिलेगा। आप तांगे से जाएंगे तो 2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। बाबूजी, किशनगंज में आप किसके यहाँ जाएंगे? ठाकुर रंजीत सिंह यहाँ। कहिए, मैं ही ठाकुर रंजीत सिंह हूँ। नमस्ते ठाकुर साहब। बोलिए, क्या काम है? मैं शहर से आया हूँ, आपकी बहू से मिलना चाहता हूँ। मुझे उसकी माँ ने भेजा है। जाकर उसकी मां से कह देना कि उसकी बेटी मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं, वो एक बदचलन आवारा लड़की थी, उसने मेरे बेटे को फंसाया। जब उसकी काली करतूतों का पता चला तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते मैं बस स्टॉप पर मिल चुका हूं उसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। लेकिन बस स्टॉप पर मैं हरिया